नमस्कार दोस्तों, प्रतिमास किचन में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल रही हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आज क्या बनने वाला है प्रतिमास किचन में। आज प्रतिमास किचन में पनीर की एक लाजवाब रेसिपी बनेगा जो ढाबा स्टाइल है, और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैंने विदाउट ओनियन गार्लिक से बना रही हूँ। ये रेसिपी को आप लोग एंजॉय कीजिए, और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट कीजिए। जो नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 से 3 इलायची, लौंग, काली मिर्च, जावित्री, जायफल, स्टार अनासी और तेज पत्ता लिया है मसाले में, और 4 मगज काजू लिया है, टमाटो लिया है चॉप करके एक बड़ा साइज का, पनीर को मैंने ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आलू लिया है, 2 आलू को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल दे रही हूँ, उसमें एक तेज पत्ता और जो होल गरम मसाला मैंने दिखाई थी उसको डाल रही हूँ, दालचीनी, जावित्री, इलायची सब डाल रही हूँ। बस आप लोग कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। इसी तरह आप लोग ये रेसिपी को बनाइएगा, और इसे आप कोई भी त्यौहार में बना सकते हो, व्रत उपवास में खा सकते हो इसको बना के। और ये इसी स्टेज में मैं ये काजू और 4 मगज दे रही हूँ, मिलन सीड्स, और 1 अदरक 1 इंच का टुकड़ा मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से सत्ते कर लेती हूँ ऑयल के साथ। और जो मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया था उसको भी मैं इसमें डाल के अच्छे से सत्ते कर लेती हूँ। टमाटो थोड़ा पकने के बाद हम इसे निकालेंगे, और मैं ढक्कन लगा देती हूँ। तो ये देखिए टमाटो अच्छे से पक चुका है, और इसे ठंडा करके हम इसका पेस्ट बना देंगे। पहले मैं इसको निकाल देती हूँ ठंडा करने के लिए। तो ये देखिए, और सेम उसी प्यान में मैं एक थोड़ा सा ऑयल दे रही हूँ, और उसमें मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए आलू भी हमारा पक चुका है, अच्छे से कलर भी चेंज हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए हमें आलू। तो ये देखिए अब मैं प्यान में जो ऑयल था उसी में मैं थोड़ा सा बटर दे रही हूँ, बटर डाल के उसमें मैं जो मसाला मैंने सत्ते करके रखी हुई थी ठंडा होने के बाद उसे पेस्ट बना दिया है उसको डाल देती हूँ, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। और आप जब भी बटर दे रहे हो उसमें थोड़ा सा ऑयल देने से बटर जलता नहीं है। तो ये देखिए पाउडर मसाला में मैंने जीरा, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया है, उसको भी डाल के अच्छे से मैं सत्ते कर लूँगी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक दे रही हूँ। ये देखिए मसाले से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। फ्रेंड्स, जो चैनल में नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइट में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, दूध में 2 से 2.5 चम्मच इसमें दे रही हूँ, और थोड़ा सा पनीर को मैं कद्दूकस करके दे रही हूँ। दूध की जगह आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर क्रीम नहीं है, क्रीम सबके पास अवेलेबल नहीं रहता तो आप दूध से कर सकते हो। तो अब मैं मसाला हो चुका है तो इसमें मैं वो दूध को दे रही हूँ, जो बचा हुआ दूध था मैंने 1 कप दूध लिया था उसको दे दिया है, अगर ज़रूरत होगा थोड़ा सा पानी इसमें हम डालेंगे। तो ये देखिए क्योंकि मसाला थोड़ा पकना चाहिए अच्छे से, तो ये देखिए उबाल आ चुका है, तो इसमें मैं आलू डाल रही हूँ और पनीर को भी मैं डाल रही हूँ। आप चाहो तो पनीर को
थोड़ा फ्राई करके ले सकते हो, लेकिन कच्चा पनीर से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए पनीर को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के हम 4-5 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए 4-5 मिनट हो चुका है और ग्रेवी भी थोड़ा थिक हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, और कुछ देर इसे पकाने के बाद मैं आपको बताऊंगी क्या क्या करना होगा। इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। पनीर के साथ कसूरी मेथी का फ्लेवर कुछ अलग ही है। तो ये देखिए आलू भी अच्छे से पक चुका है। थोड़ा सा जायफल लिया था उसको मैं पाउडर बना के दे रही हूँ और थोड़ा सा बटर डाल देंगे। ये देखिए, और इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर से मैंने सजा लिया है। बिल्कुल इसी तरह आप बनाइए, खाइए। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।